जय हिंद एंड वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी मैगजीन्स के बारे में, वीकली और मंथली मैगजीन्स, जिनको पढ़ के आप अपना करंट अफेयर सेक्शन कवर कर सकते हैं। बिकॉज एज वी ऑल नो कि लास्ट के एक मंथ में न्यूज़पेपर पढ़ के आपको बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला है। ऑल दो रीडिंग न्यूज़पेपर एवरी डे विल डेफिनेटली हेल्प यू इन दी SSB इंटरव्यू, लेकिन अगर आपको करंट अफेयर सेक्शन को कवर करना है और आप न्यूज़पेपर से टच में नहीं थे फॉर द लास्ट 3-4 मंथ्स, तो मैं आपको कुछ मैगजीन सजेस्ट करूँगा जिसको पढ़ के आप करंट अफेयर सेक्शन भी टैकल कर पाएंगे और साथ ही साथ इन डेप्थ डिटेल्स मिलेंगे आपको बहुत से टॉपिक्स की, जिसकी नॉलेज आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगी। और ये जो मैगजीन्स हैं इसको पढ़ के आपको सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं बल्कि हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसे टॉपिक्स की भी नॉलेज मिलेगी, जो कि विच आर वेरी वेरी मच लाइकली टू कम इन द एग्जामिनेशन। तो मैं बात कर रहा हूँ वैसे वीक मैगजीन के बारे में, ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, जस्ट माई पीस ऑफ एडवाइस टू ऑल द डिफेंस एस्पिरेंट्स। तो पहली मैगजीन है द न्यू मिलिट्री बाय वीक, ठीक है। इस मैगजीन को पढ़ के आपको पता चलेगा कि इंडिया ने रीसेंट पास्ट में कौन कौन सी डील्स की हैं, कौन कौन से न्यू इक्विपमेंट्स इंडक्ट करने वाले हैं हम अपनी आर्मी में, और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे रिसर्च चल रहा है, या फिर किसके लिए गवर्नमेंट ने जो है R&D पे कितना इन्वेस्ट किया है इन दी डिफेंस सेक्टर, इंडिया का राइज कैसा हो रहा है एक्सपोर्ट एज एन डिफेंस एक्सपोर्टर, ठीक है, एज एन डिफेंस एक्सपोर्टर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल लर्न अ लॉट अबाउट डिफेंस, पर्टिकुलरली मिलिट्री इक्विपमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। सो ये द न्यू मिलिट्री बुक है, जैसा कि आप मैगजीन है जो आप देख सकते हैं। द सेकेंड मैगजीन इज़ अबाउट द न्यू ईयर न्यू पार्लियामेंट, अगेन ये वीक की मैगजीन है। इस मैगजीन में आपको थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मिलेगा पार्लियामेंट का, आपको पता चलेगा कि जो आर्किटेक्ट कौन था न्यू दिल्ली का, देन यू विल कम टू नो कि न्यू पार्लियामेंट किस गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, क्या प्लान था, किसने डिज़ाइन किया है। तो इन सब चीज़ों से भी काफ़ी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिल सकते हैं, और आपको काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा ये विद रिस्पेक्ट टू योर इंटरव्यू ऑल्सो, क्योंकि आपको बड़ी इन डेप्थ नॉलेज मिलती है ये मैगजीन पढ़ के। इसमें बहुत सारे पॉलिटिक्स के भी टॉपिक दिए हुए हैं, जियो पॉलिटिक्स के भी टॉपिक दिए हुए हैं, तो उससे आपकी नॉलेज ऑब्वियसली इन्हेंस होगी। एंड द लास्ट मैगजीन बट नॉट द लीस्ट इज़ अबाउट द लाइफ इन द शैडो ऑफ वॉर। लाइफ इन द शैडो ऑफ वॉर, एज वी ऑल नो कि अभी फेबररी में 1 साल पूरे हो गए रशिया यूक्रेन वॉर को। सो वॉट ऑल चेंजेस द पीपल ऑफ रशिया एंड यूक्रेन हैव बीन थ्रू, एंड हाउ द वर्ल्ड यू नो फेस्ड ड्यूरिंग दिस 1 ईयर, वॉट ऑल चैलेंजेस द वर्ल्ड फेस्ड, ग्लोबल साउथ के लिए क्या चैलेंजेस आए, कंट्रीज डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया, बांग्लादेश, ठीक है, जितने भी साउथ एशियन नेशन है, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, तो मलेशिया जैसी कंट्रीज़ हैं, इन्होंने क्या चैलेंजेस फेस किए। तो वॉर के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए सुपर पावर्स ने एक दूसरे पे, जो एक एक अलग ही प्रॉक्सी वॉर, जो जिसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये प्रॉक्सी वॉर चल रहा है US और रशिया का, वेस्ट, और जिसमें चाइना और रशिया एक साइड अलाइंड हैं, इंडिया ने इसमें क्या स्टैंड लिया, क्यों लिया, इंडिया ने क्यों कंडेम नहीं किया किसी भी एक्ट के रशिया के, इंडिया ने एक न्यूट्रल अपना स्टैंड बना के रखा, तो आपको वो सारी चीज़ें जानने को इस वॉर से रिलेटेड मिल सकती हैं। एंड आई वुड सजेस्ट यू टू रीड इन डिटेल ऑल दी वेपन्स एंड मिसाइल्स दैट हैव बीन यूज, कौन कौन सी कंट्री ने किस किस कंट्री की हेल्प की है, किस तरह से हेल्प की है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ के आई कैन गारंटी यू कि इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। रिटन में भी आपको पक्का क्वेश्चन मिल सकते हैं इन टॉपिक से, बट इन दी SSB इंटरव्यू इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू यू। सो अगर आपको और भी मैगजीन्स पढ़नी है तो आप कोई मैगजीन जो मंथली मैगजीन है उसको भी टैकल कर सकते हैं, बिकॉज अभी न्यूज़पेपर पढ़ के आपको उतना बेनिफिट नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू रिटन एग्जाम, तो इट्स बेटर दैट यू चूज़ गुड मैगजीन्स और उसको पढ़ के आप डेफिनेटली अच्छा कर पाएंगे। सो थैंक यू एंड जय हिंद।